उपसभापति महोदय जी, महंगाई एक ऐसी चीज है कि किसी को भी दुख ही होगा। महंगाई बढ़ी तो बहुत आनंद हुआ, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता। लेकिन दुनिया में ऐसा कौन सा देश है कि जहां महंगाई बढ़ती ही नहीं, बढ़ती है, लिमिट में बढ़ती है क्या? और मूल मुद्दा क्या होता है कि आपकी इनकम जितना बढ़ता है उसके ज्यादा महंगाई बढ़ रही है या प्रोपोर्शन में है? क्योंकि एक मैं बताना चाहता हूं, विपक्षी भी इसको समझे, हम किसानों के मेले में जाकर क्या कहते हैं? किसानों के मेले में हम जाकर कहते हैं कि लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए, उसके दाम बढ़ने चाहिए, करेक्ट है? जो प्रोड्यूस करता है उसके उसको अधिकार का मिलना चाहिए। फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो नहीं, वो सस्ता चाहिए, मार्केट में सस्ती चाहिए। और अनाज में आपको पता है कि नहीं, मैं बता रहा हूं ना, सरकार 20 रुपए यानी सभी खर्चा मिलकर 30 रुपए में एक किलो चावल लेती है, तैयार होता है, और 30 रुपए का चावल राज्यों को 3 रुपए में देती है। और दो साल फ्री में दिया था 80 करोड़ लोगों को पूरा राशन, दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं था। अब इसको खर्चा आएगा कि नहीं? 2,71,000 करोड़ रुपए खर्चा आया, वो कहां से लाएंगे? तो इनकी एक मांग होती है कि रोल बैक टैक्सेस, यानी एक तरफ उत्पादक को कीमत दो, दूसरा टैक्स मत लगाओ और लोगों को सस्ता दो। हम कुछ तो हमारे से ऑनेस्ट होना चाहिए खुद से कि हम जो बोल रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहिए, कंपैरिजन में बोलना चाहिए। अभी जैसे एक चर्चा चली, और इसलिए मैंने और एक उदाहरण है, विपक्ष दिल समझे क्या करना है। आप रूम के अंदर एक बोलते हो और रूम के बाहर आकर दूसरा ही बयान देते हैं। जहां तक मेरी ऑथेंटिक जानकारी है कि जीएसटी का सारे रेट्स पहले ही, जब जीएसटी काउंसिल पहले शुरू हुई तो रेट्स, रूल्स और एक्ट का टेक्स्ट वॉज वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड यूनैनिमसली। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन जीएसटी मान्य करके बाहर आए और प्रेस के दंडे दिखे तो तुरंत ये गब्बर सिंह टैक्स हो जाता है। ये कैसे होता है? मैं पाखंडी शब्द को उपयोग करने वाला था, लेकिन पाखंड अभी अनपार्लियामेंट्री हो गया है, नहीं बोल रहा है ये, नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। Right. If it is unparliamentary, it will not go on record. हाँ. It will be automatic in next month. Don't worry about that. I'm telling you, if it is unparliamentary, it will not go on record. It will be automatically expanded. चलिए भाई, Don't shout. अरे अभी तो थोड़ा शुरू हुआ है। मूल मुद्दा, इसलिए मैंने नया शब्द तैयार किया कि अंदर एक बाहर एक। दूसरा उदाहरण, अभी जो विश्वम जी हमारे साथी है उनकी जानकारी होगी, वो फाइनेंस मिनिस्टर जब बोलेगी तो क्लियर करेगी। ये जो पैक्ड फूड पे 5% जीएसटी लगा है, ये भी जीएसटी काउंसिल में हुआ है। और अपने देश की जीएसटी काउंसिल को मैं बधाई देता हूं कि पूरा यूनिफॉर्मली, यूनानिमसली निर्णय हुए है, एक हाथ निर्णय। मैं बताता हूं, अरे एक मिनट, रिकॉर्ड है, आप देख लो कितनी बार वोटिंग हुआ, क्योंकि बहुमत से वोटिंग होने का भी और निर्णय होने की भी प्रोविजन है, ये समझ ले।
अब दूसरा तीसरा तीसरा अंदर एक बाहर एक, पेट्रोल डीजल पे केंद्र सरकार ने 8 रुपए और 6 रुपए कम किया, दो बार। एक मिनट। अरे भाई, राज्यों ने वैट कितने कम किए? केवल भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट्स ने कम किए, बाकी ने नहीं किए। और सुनो, महाराष्ट्र, अरे आपके आय, सभी राज्यों की आय भी बढ़ी ना। दूसरा मुद्दा नहीं दे आता हूं, ऐसा है ये, ऐसा है, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र में जो सरकार अभी तक थी, उन्होंने पेट्रोल डीजल पर तो वैट कम नहीं किया, लेकिन शराब पर एक्साइज कम किया। ये नीति है, और इसलिए अंदर एक बाहर एक, ये लोग समझते हैं। और लोग ये विपक्ष का जो दोहरा चरित्र समझते हैं, इसीलिए मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हर बार ज्यादा जिताते हैं और हर बार चुनाव में ज्यादा सीटें मिल रही है। और आप ऐसे ही निगेटिव बने रहो, आप ऐसे ही निगेटिव बना रहो, और आप विश्वम जी ने, हमारे मित्र है विनय विश्वम, एलावरम करीब, तो हाँ विनय विश्वम नहीं, एलावरम करीब, तो एलावरम करीब ने कहा कि 25% हुआ। उनको मैं बताना चाहता हूं कि महंगाई कितनी बढ़ी। अरे आप जिस सरकार को, यूपीए को पहले टर्म में सपोर्ट करते थे, उस समय जैसे आज एक जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 22 महीने डबल डिजिट में लगातार 9 साल ये फूड इन्फ्लेशन मोर देन 10%, 9 साल, 10 साल में से 9 साल, और उस समय इतने दाम बढ़े, तब तो कभी आप बोले नहीं। और उसका दूसरा एक मुद्दा है कि जब प्रधानमंत्री जी को महंगाई पर पूछा उस समय, तो उन्होंने फेमसली कहा था कि पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। आपने जो 1,33,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स तैयार करके, जो उस समय ऑयल के दामों में एक कमी लाने का किया, स्थिर रखने का एक प्रयास किया, उसका भुगतान एनडीए सरकार को करना पड़ा, वो भी किया हमने, ये भी एक समझ दे मूल। अच्छा, कुछ तो परिस्थिति होती है। अब कोविड आएगा, दुनिया को ऐसा छाएगा, ये किसने कल्पना की थी? तो कोविड में और यूक्रेन का वॉर, अब 5 लोगों को लगा था 5-6 दिन में चलेगा, लेकिन 5 महीने हो गए तो भी चल रहा है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, वहां अनाज का भी भंडार है और वहां गैस का भी भंडार है, सारे ऑयल और गैस सेक्टर के प्राइसेस दुनिया में बढ़े, हमने नहीं बढ़ाए। इट इज द फैक्टर्स बियॉन्ड एनी कंट्रीज कंट्रोल, और इसलिए ये रेट बाहर दुनिया में बढ़े हैं, सबको बढ़े हैं, केवल भारत में बढ़े होते और बाकी जगह नहीं बढ़े होते तो लोग कह सकते थे कि भाई ये आपने गलत किया। एक मिनट, अभी बहुत लोगों ने, मुझे समय भी कम लेना है और मुद्दों की बात करना है, बहुत लोगों ने रुपी के डेप्रिसिएशन पर चिंता जताई, लेकिन मैं फैक्ट्स थोड़ा बताना चाहता हूं कि डॉलर, जैसे आज वित्त मंत्री ने उत्तर में भी एक कहा कि रुपी का एप्रिसिएशन विद इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज भी हुआ है, ये भी हमें समझना, भूलना नहीं चाहिए। और एक मिनट,
वही बता रहा हूँ, डोंट कमेंट। एक मिनट, यू विल हैव अपॉर्चुनिटी। उसका उत्तर भी है, किसान ने दिया है, वो मैं आपको दूंगा लास्ट में। दे विल ब्रिंग दोस पॉइंट्स। लेकिन डेप्रिसिएशन भारत के रुपी का विसावी डॉलर 7.5% हुआ, जापान का 20% हुआ, यूरो का 13% हुआ, ये भी हमें समझना चाहिए। ये इट इज नॉट जस्ट एन इंडिया प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड वी आर फेयरिंग मच बेटर देन अदर कंट्रीज। दिस इज अ पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक। यूपीए के जमाने में 9 साल मैंने कहा डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहा, अभी हमारे 8 साल में 5 साल में 5% के नीचे रहा, 2 साल 6% के आसपास रहा, और इसी साल 7% हुआ है। ये भी हमें समझना चाहिए, और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम फूड सिक्योरिटी, मैं 2017 के चुनाव में मणिपुर गया था, इंचार्ज था, तो मैं सभी लोगों को पूछता था, आम आदमियों को भी, कि किसको वोट देंगे, तो बोले मोदी को देंगे। मैंने कहा क्यों, तो बोले उन्होंने हमें चावल 3 रुपए में दिया है। तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि 3 रुपए में चावल, तो पहले फूड सिक्योरिटी में, एक मिनट, नहीं मैं वही बता रहा हूं, फिर ऐसा है 3 रुपए में देने का फूड सिक्योरिटी में यूपीए ने निर्णय लिया था, लेकिन पूरे देश में वो नहीं दिया था। यूपीए के जमाने में 40 करोड़ लोगों को केवल फूड सिक्योरिटी मिलती थी, हमने वो 80 करोड़ को की है। ये एक बदलाव है, ये हमें समझना चाहिए। पॉवर्टी कम हुई, पर कैपिटा डबल हो गया, पर कैपिटा इनकम एज डबल, वो आंकड़े हैं, दुनिया के आंकड़े हैं, आप देख लीजिए। डॉक्टर्स जो थे 12 लाख डॉक्टर बढ़े, मेडिकल के सीटें केवल 50,000 थी, वो 80,000 से ज्यादा हुई। सोलर एनर्जी, यस, बिकॉज ऑल दिस द डेवलपमेंट रिक्वायर्स मनी, एंड मनी डजंट कम बाय प्रिंटिंग मन नोट्स, इट इज यू हैव टू जनरेट रिसोर्सेस, दैट इज मूल मुद्दा है। और फूड ग्रेन जो 255 मिलियन टन था 2014 में, आज 316 मिलियन टन है, ये भी हमें समझना चाहिए। उपाय क्या किए सरकार ने, आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए, मार्केट में डिमांड को, और जो वोलेटिलिटी है एक तरफ वो भी कम करने का कोशिश किया, और प्राइसेस इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़े इसके लिए प्रयास किया। 9 करोड़ उज्ज्वला गैस वाले महिलाओं को 200 रुपए की सब्सिडी हर सिलेंडर पर दी है। व्हीट एक्सपोर्ट रोका, बेटर पीडीएस के कारण लोगों के हाथ में अनाज जा रहा है जो पहले चोरी होता था। एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1 लाख करोड़ की एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया है कि किसान को उसी दाम में खाद मिले। ये छोटी चीजें नहीं है, ये पैसा लगता है तो महत्वपूर्ण है ही। ड्यूटीज, स्टील के दाम बहुत बढ़े थे, घरों के कंस्ट्रक्शन के दाम बढ़े थे, स्टील के दाम कम करने के लिए भी एक्सपोर्ट का ड्यूटी भी बढ़ाया, इंपोर्ट का ड्यूटी कम किया, सब किया, और ये करके ये प्राइसेस में भी स्टेबिलिटी लाई। आखिर हमारी आज इकोनॉमी की सत्यता क्या है? आईएमएफ का जो रेगुलर रिपोर्ट आ रहा है उसने भी कहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में इंडिया सबसे आगे है 6.8%, ये उनका लेटेस्ट था। जैसे रेसेशन दुनिया में, अमेरिका में आज चर्चा हो रही है, अमेरिका के कोई भी समाचार पत्र खोलो
वहां रेसेशन की चर्चा है, स्टैगफ्लेशन की चर्चा है यूरोप में, लेकिन अपनी यहां नहीं है क्योंकि हम उस रास्ते पर नहीं गए हैं। बचाया है इकोनॉमी को। फॉरेक्स, जैसे आज वित्त मंत्री ने उत्तर में कहा, आधा तो जवाब उनका उसी उत्तर में हो गया है कि फॉरेक्स भी हमारा 500 बिलियन डॉलर के आसपास है ही। फिर आईटी रिटर्न 6 करोड़ हुए, 14 में 2.5 करोड़ थे, आज अरे हाँ बट 2.5 करोड़ थे 130 में, तो अभी 6 करोड़ हो गए, ये फर्क पड़ा है। स्पेक्ट्रम में जो आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पुराने रेट पर दिए थे, वो कैंसिल होने के बाद नीलामी होकर 1,80,000 करोड़ आए, और अभी जो 5G स्पेक्ट्रम हो रहा है वहां भी 1,45,000 करोड़ आ रहे हैं। तो ये भारत की सरकार की सोच का फल है और जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। रोबस्ट एक्सपोर्ट हमारे बढ़े हैं, और इसलिए मैं दो ही चीजें अंत में कहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि महंगाई और उत्पादक को मिलने वाला प्राइसेस ऑफ एसेट्स, ह्यूमन एसेट्स आर लो इन इंडिया। मैं ऐसा मानता हूं काम करने वाले को अधिक पैसा मिलना चाहिए, और मोदी सरकार ने एक बढ़त लेकर 10,000 रुपए से कम वेतन नहीं किसी का होगा ये तय किया, लेकिन ये और भी बढ़ाने की जरूरत होती है। तो ये बढ़ाना है तो आपको रिसोर्सेज जनरेट करने हैं। रिसोर्सेज का सरकार के पास एक ही रास्ता होता है, टैक्सेशन, वो रीजनेबल हो, वो अन्यायकारी न हो, गरीब को कम अमीर को ज्यादा, ये भी हमें सोचना चाहिए। और पॉवर्टी का भी मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक जगह मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत में विषमता बहुत बढ़ गई है, तो सिंपल चीज है 47 के और आज के आंकड़े हमने देखे, 47 में अगर ऐसी विषमता थी, ये लोअर एंड और ये हायर एंड, अभी ये भी इधर आए हैं और ये इतना हुआ है, ये फर्क हुआ है, यानी गरीब भी, गरीब का स्तर ऊपर आया है, गरीब का स्तर ऊपर आया है। गरीब के जीवन में फर्क आया है, और यही उद्देश्य है। और इसलिए नहीं, बैठिए ना, मेरा समाप्त हो रहा है, बैठिए, आई एम नॉट यील्डिंग, बैठिए। तो इसलिए महंगाई के संकट का सामना करने के लिए मोदी सरकार ने लगातार काम किया है और वह करती रहेगी। जो भी महंगाई ये दुनिया में है, क्योंकि हमारे हाथ में जो नहीं था वो दो संकट हमारे सामने आए हैं, लेकिन हम एक विकास के गति में जा रहे हैं, सामाजिक न्याय दे रहे हैं और आर्थिक व्यवस्थापन भी अच्छा करेंगे और कर रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।